देख सकते हैं दोस्तों, बिट्ठा बनाने का आसान तरीका। इसको करना है क्या, बटाम लगा के इसको इस तरह से लगा देना है। बटाम कलम से दागी इस तरह से इसको मार देना है, जो कि बटाम से मारने से होता है क्या, शुद्ध आपका बिट्ठा बनेगा। देख सकते हैं इधर, और चौरसी लेके इसको चौरसी से इसको सही कर लें, शुद्ध कर लें पूरा। देख सकते हैं थोड़ा सा इधर भी इसको शुद्ध कर देना है इस तरह से। देख सकते हैं ये शुद्ध हो चुका है। एक बार फिर से बटाम लगा के हम चेक कर लेंगे इस तरह से। देख सकते हैं पूरा ये शुद्ध हो चुका है। उसके बाद इसको करेंगे क्या, खुरजी जो होता है सवा इंची मोटा, इस तरह से तीन भाग करके हम दाग मार देंगे इस तरह से। देख सकते हैं किस तरह से दाग मार चुके हैं। उसके बाद इसको करेंगे क्या दोस्तों, इसको करना है क्या, कच्चा लेके इसको चेक कर लेना है कि वो साइज का हो चुका है कि नहीं। उसके बाद इसको करेंगे क्या, जो दाग जो मारे हैं वो दाग बिट्ठा में इस तरह से लगा देना है, दाग को उल्टा देना है इस तरह से अंदर की तरफ। दाग उल्टा इसको करना है क्या, कांटी लगा देना है दोनों साइड में, बीच करके कांटी लगाना है दोस्तों इस तरह से। इस तरह से कांटी को लगा देना है। उसके बाद रेती से इसको कांटी को कटिंग कर लेना है। उसके इसमें धार बना देना है जो कि सही चलेगा बिट्ठा इस तरह से। उसके बाद चेक कर लेना है खुरजी में, ये जो है दरस से ही बिट्ठा चलाएं, जो कि दोनों साइड का पूरा एकदम बराबर होना चाहिए, जो कि चूल जो बनेगा आपको पूरा सही बनेगा। दोनों तरफ से बिट्ठा लगा चेक कर लेना है, जो कि किधरों से बिट्ठा मारिएगा तो सेम होना चाहिए, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा। देख सकते हैं पूरा ये दोनों साइड सेम है, किधरों से बिट्ठा मार सकते हैं बिट्ठा। देख सकते हैं इस तरह से ये मेरा तीनों भाग एक समान है, जो कि दिक्कत नहीं होगा। किधरों से बिट्ठा मारिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको करना है क्या, बढ़िया से इसको फ्रेश कर लेना है चौरसी से। उसके बाद ये जो है इसको बटाली से कटिंग कर देना है, जो कि बिट्ठा चलाने में दिक्कत नहीं होगा, आपका बिट्ठा शुद्ध चलेगा इस तरह से। रंदा से इसको कोर और फ्रेश कर देना है। देख सकते हैं बिट्ठा बन के तैयार है दोस्तों, कितना ईजी से बिट्ठा बन